समय पर उपचार न मिलने से जिला हमीरपुर के बारी गांव की एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत निजी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से हुई है। मिली जानकारी के अनुसार टोनी देवी के नजदीकी गांव बारी की रेखा कुमारी पत्नी नरेश कुमार गर्भावस्था के दौरान हमीरपुर के एक निजी अस्पताल में अपनी जांच करवाती रही। इस दौरान शनिवार को रेखा की तबीयत खराब हुई तो निजी अस्पताल प्रबंधन ने उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई है। आज मृतक रेखा कुमारी के परिजनों ने उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात की और निजी अस्पताल प्रबंधन पर न्यायिक जांच की मांग की है। रेखा के परिजनों और गांववासियों ने निजी अस्पताल प्रबंधन की कथित लापरवाही से हुई इस मौत पर कड़ा आक्रोश जताया है तथा इस बारे में जांच की मांग की है। मृतक रेखा कुमारी की बहन नीलम, पति नरेश कुमार, पुरुषोत्तम चौहान, अशोक कुमार, अजय कुमार ने सारे प्रकरण की जिला स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर दोषियों को दंडित करने की गुहार लगाई है। इस बारे में उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गंभीर आरोप होने के कारण एसपी हमीरपुर तथा सीएमओ हमीरपुर को शीघ्र ही जांच करने के आदेश दिए गए हैं। हम मैं ये दिल से चाहती हूँ एज अ सिस्टर और मेरे फादर की वो एक डॉटर थी, किसी की वाइफ थी, कि किसी के साथ और ऐसा ना हो। हमें न्याय चाहिए इस बात से कि हमने भुगता है। एक हस्ती खेज थी जिसके बहुत सपने थे, ऐसी लड़की जो आगे जीना चाहती थी, जो कि बेबौत एक जैसे खून किया गया है। ये जब आपके हॉस्पिटल में फैसिलिटी ही नहीं है तो आप वो केस ले क्यों रहे हैं? 7 महीने से आपको नहीं दिखा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है? एट ए टाइम आप हाथ खड़े कैसे कर सकते हो? अगर आप ऑपरेट नहीं करना था तो आप हॉस्पिटल खोल के क्यों बैठे हैं? किसी की जिंदगी आपके लिए तो बस नो मोर कहना रहता है कि हम नहीं, आप रेफर कर देते हैं टांडा। किसी की जिंदगी चली गई, किसी की बेटी चली गई, किसी की पत्नी चली गई, किसी की बहन चली गई, आपका क्या जा रहा है? किसी का बच्चा चला गया, उसका पहला बच्चा था, उसके भी सपने थे। तो मेरी यही बस न्याय चाहती, मुझे न्याय जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। और ये अगर मैं यही बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें न्याय चाहिए। न्याय भी सिर्फ इसलिए चाहिए कि जो हमारे साथ है किसी और के साथ ना हो। और अगर ये न्याय जात नहीं की ये, और ये हमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर चाहिए, तभी हमें चाहिए। और मैं ये दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ आप हमारी ये मांग को आगे तक पहुँचाएँ। मैं अजय कुमार, मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद घटना है, घटी है ये 16 तारीख को, और मैं जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करता हूँ थ्रू मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू, कि ताकि हमें न्याय मिल सके, भविष्य में किसी और के साथ ये घटना ना घट सके। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।